ये कौन सा तरीका है अपनी मां से बात करने का? क्या हमारे संस्कारों ने तुम्हें यही सीख दी है कि तुम अपनी मां से इस तरह बात करो? ये हो क्या रहा है इस घर में? जिसको देखो अपनी मनमर्जी, और ये जिस औरत के बारे में तुम अनाप शनाप बोले जा रही थी, मैं पता है इसने क्या क्या सहा है? जानती हो ना कितने बड़े आदमी हैं तुम्हारे नाना जी? उस बड़े परिवार की बेटी ने हम जैसे साधारण प्रोफेसर से शादी की। इस घर के हर संस्कार, हर परंपरा को अपना धर्म समझ कर निभाया। हमारी मामूली सी तनख्वाह में भी अपनी सूझबूझ से इस घर को ऐसा संभाला कि आज तक तुम लोगों को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। और मजाल है कि हमारे घर की कोई छोटी से छोटी बात भी इस दहलीज की कभी बाहर गई हो, और तुम हो कि इनसे इस तरह बात कर रही हो। सपना, सालों बाद इस घर में अंकित के रूप में ढेर सारी खुशियां आई थी। एक हवा के झोंके के साथ आई हुई खुशियां एक तूफान बनकर चली गई। सुषमा जी की तो जैसे जिंदगी ही उजड़ गई, जिंदा लाश बन के रह गई थी ये। फिर भी इन्होंने अपने दर्द को तुम्हारे चेहरे की खुशियों में छिपा लिया। बस कीजिए ना, आप क्यों इस तरह इस बात को फिर से? नहीं सुषमा जी, आज हम चुप नहीं रहेंगे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप ने उन्हें जिंदगी भर अपनी ठंडी छांव में रखा, उन्हें अपने बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों के सहारे की जरूरत होती है। अगर हमने उन्हें अपने प्यार से सींच कर बड़ा किया है तो उनका सहारा हमें टूटने से बचाता है। और ये सपना, ये आपको गलत बोल रही है। बोलो सपना, ऐसा क्या किया है सुषमा जी ने? क्या नाराजगी है तुम्हें अपनी मां से? ये कि वो पूजा की गलतियों को माफ नहीं कर पा रही, उसे अपने सामने नहीं देखना चाहती, तो इसमें गलत क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि पूजा ने क्या किया है? हाँ, तुम ही कह रही थी ना कि पूजा ने जिंदगी भर इस घर को सिर्फ दिया है, बहुत कुछ दिया है, दुख दिया है, अपमान दिया है, लोगों की नजरों में तिरस्कार दिया है। पाऊजी, पूजा ने? हाँ हाँ, बोलो सपना, बोलो क्या कहना चाहती हो? आज कौन सी सफाई पेश करोगी तुम पूजा को बचाने के लिए? बाऊजी, पूजा ने सपना, हमें कोई सफाई नहीं देनी है बाऊजी। अगर हमारी बातों से आपको तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो अपनी माँ से मांगो सपना। जिसका दिल दुखाया है तुमने, हमें माफ कर दीजिए माँ।
हमें माफ कर दे पूजा, हमने माँ से ऐसे बात की, लेकिन हम करते भी क्या? हमसे तेरा अपमान देखा नहीं गया। सपना वो माँ है, हमें उनसे ऐसे बात करने का अधिकार नहीं है। दूसरों के अधिकार की चिंता है तुझे? माँ को भी तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए ना पूजा। हम जानते हैं हमारी बातों से माँ को बहुत चोट पहुंची होगी, पर हम चुप कैसे हो जाएं? तू मेरी किस्मत नहीं बदल सकती सपना, नहीं बदल सकती। हम बाबूजी से बात करेंगे, हम तुझे ऐसी नफरत भरी जिंदगी नहीं जीने देंगे। नहीं सपना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। पूजा तू हमें वचन दे, हमें ऐसा करने से नहीं रोकेगी। मैं कोई वचन नहीं दूंगी तुझे, हमारी कसम दे वचन। हो सुभा यादव, एक बात पूछे। हाँ पूछिए। आज दूध में पानी मिलाए हो कि नहीं? अरे का कहते हो बजरंग भैया। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते। और तुम्हारे कान के नीचे एक लगाए क्या है? हो गई 40 शुरू। अरे मरखनी गाय हो रहे हो, जाते को सींग मार दोगे। आ भैया यादव, अरे दही ठीक से जमाए कि नहीं सुभाष? हाँ गंगा मैया की अम्मा जी, आप दही दीवार पर मारिए और अगर नहीं चिपके ना, हमारा नाम सुभाष यादव नहीं। हे मैया जय। अरे पूजा, अरे जा सबको बोल दे तिल के लड्डू तैयार हो गए, जा। जी भाई। ए सुन, एक मिनट रुक बेटा, जा बेटा जा। यादव ले भैया, अपने बच्चों को मिठाई लेके खिला देना। प्रणाम अम्मा जी। ये दही लीजिए। हाँ ला भैया ला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पानी कम मिलाइए। तुम बतिया लो पहले, चलो अंदर। चलिए। जहाँ देखे वहीं लग गए। क्या सोच रहा है कैलाशनाथ, डर गया? इतने सालों बाद वकील का काला चोगा पहनना पड़ेगा है? नहीं कन्हैया, इस फाइल में युवराज गोयल के सारे डिटेल्स हैं। इसका कंपनी प्रोफाइल देखकर तो ये नहीं लगता कि ये ऐसे घटिया काम कर सकता है। चाचू एक नंबर का फ्रॉड है युवराज गोयल, पैसों के लालची लोग ऐसे ही घोटाला करते हैं। अरे बस बस मेरी झांसी की रानी, तेरा बस चले तो तू युवराज गोयल को बाबूजी की बंदूक से गोली मार दी। मेरे बाबा का सब कुछ छीन लिया उसने, नफरत है मुझे उसके नाम से। अब हमें भी थोड़ा काम करने दे, ताकि ताकि काम का बंटाधार हो जाए। क्यों कन्हैया, बेटा तेरी क्या मति मारी गई है? पहली गलती तो तुमने ये की कि इस लड़की को वो फैक्ट्री डलवा दी, और अब दूसरी गलती ये करोगे कि उस आदमी से उलझने जा रहे हो जो कि हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कन्हैया बेटा जमीन बेची जा चुकी है, उस पर माथा पच्ची करने का कोई मतलब नहीं है, और मान लो केस कर ही दें तो इसे वकील चुना है। पूछो इससे कितने साल हो गए कोर्ट गए हुए। वैसे सोच लो भाई, हमारी राय तो यही है कि तुम्हें कारखाना बेच देना चाहिए। हमें आप पे पूरा विश्वास है, और मेरा केस आप ही लड़ेंगे।
शायद तेरे इस विश्वास के सहारे ही मैं ये केस जीत जाऊं। ओहो, क्या बात है पूजा, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? वो अज्जू युवराज गोयल के खिलाफ केस लड़ने में हमारी सबसे ज्यादा मदद आलाप कर सकता है। धत तेरी की, इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में नहीं आई। समझ गई, मैं सब समझ गई। क्या समझ गई? यही कि जिसके दिलो दिमाग में जो होगा वो उसी के बारे में तो बात करेगा और उसी की बात समझेगा। अच्छा बाबा, नहीं करती मजाक, हमें आज ही आलाप भैया से मिलना पड़ेगा। पूजा, कहीं तो ये तो नहीं सोच रही ना कि मैं अकेले आलाप भैया से मिलने जाऊंगी? तुझे मिलने जाना पड़ेगा, लेकिन तेरे साथ। देख पूजा, अकेले तो मैं जाने से रही, तो तू मेरे साथ चल रही है, समझ गई ना? चल। पर अज्जू, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे सपना, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? वो बहुजी, आपसे कुछ बात करनी थी। तो मुझे बुला लिया होता। तेरे पाँव में चोट लगी है बेटा। क्या सोच रही है सपना? अच्छा बोल, क्या कहने आई है तू? बाबूजी, क्या आपको लगता है सचमुच सारी गलती पूजा की है? बाबूजी, पूजा को माफ कर दीजिए, वो निर्दोष है, उसे माफ कर दीजिए बाबूजी। बस तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पूजा के साथ जो किया उसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं है? आज भी कभी कभी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर हुई है हम सबसे। उससे कैसे आंखें मूंद लें हम? आज तक अगर हमने कुछ कमाया है तो यही थोड़ी बहुत इज्जत, और आज यही इज्जत। बाबूजी, अगर पूजा को आपकी इज्जत की परवाह नहीं होती तो क्या वो शादी के मंडप में जाती? और वैसे भी उस लड़की से बात करने तो हम और अज्जू गए थे। तू गई थी उसकी मदद करने? लेकिन इससे भी पूजा के अपराध कम नहीं होंगे। उस दिन जब दादाजी ने पूजा पे बंदूक उठाई थी, पूजा ने अपनी जबान नहीं खोली थी। वो मरती मर जाती पर कभी अपनी जबान नहीं खोलती। हम सब में से आपके सम्मान और प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा चिंता पूजा को ही रहती है। उसे माफ कर दीजिए बाबूजी। हम कोशिश करेंगे सपना कि हम सब कुछ भूल जाएं। कोशिश करेंगे कि पूजा को माफ कर दें। सपना, हमें कॉलेज के लिए देरी हो रही है, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छू, मेरा चलना जरूरी है क्या? तू जाना। पूजा चुप कर, आलाप भैया को मैंने यही गार्डन में बुलाया था, शायद अंदर होंगे, चल जल्दी चल। अच्छू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अगर किसी ने देख लिया और चाचा जी तक बात पहुंच गई तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। ओहो, तू बेकार में टेंशन ले रही है, पता नहीं आलाप भैया भी कहाँ रह गए। चल लो, यहाँ आलाप भैया। आलाप भैया,
अरे पूजा इधर क्यों खड़ी है, आना। क्या हुआ अज्जू, ऐसा क्या हो गया? कल ही तो मैं आया था फैक्ट्री में। भैया आपके जाने के बाद कोर्ट का नोटिस लेकर वकील आया था, एक महीने में वो जमीन खाली करनी है। किसने भेजी नोटिस? भाई यू लुक की तुम युवराज गोयल, एक बार मिल जाए ना वो, नानी याद दिला दूंगी उसको। समझता क्या है वो अपने आप को? अज्जू लैंड की सारी रसीदें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा होती है, अगर हमें वो रसीदें मिल जाए तो युवराज गोयल कभी भी उस जमीन को हथिया नहीं सकेगा। आला भैया बाबा ने सब पता लगा लिया, वो रिसिप्ट वहां से बदल दी गई है। युवराज गोयल के बारे में मैं पता लगाता हूँ, और अज्जू घर में कहीं ना कहीं उन रिसिप्ट की कॉपी तो होगी ही, बस एक बार वो मिल जाए ना तो काम बन जाएगा। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगी। ठीक है। अच्छा भैया हमें जरा कॉलेज में काम है, तब तक आप पूजा से बात करें। हुँ? पर अज्जू मैं बस अभी आई पूजा। पूजा पूछोगी नहीं घर से बेघर होने के बाद जिंदगी कैसे जी रहा हूं? झूठे मुंह ही सही, एक बार पूछ तो लो। डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में दोस्त के रूम में रहते हूँ, रूम नंबर 322। रात का खाना मेस में खाते हूँ और दिन में अक्सर छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते हूँ। तुम्हें सब पता है? अगर तुम्हारी बहन को पता है तो मुझे भी पता है। अच्छा लगा। क्या? ये जानकर कि तुम्हें इतना कुछ पता है मेरे बारे में। सॉरी प्रोफेसर साहब, मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया गया वो ठीक ही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ उमाशंकर जी, मुझे भी ठीक लगा। प्रिंसिपल साहब ने जो भी कहा वो विद्यार्थियों के प्रोफेसर साहब ये आपकी भतीजी पूजा है ना? राम 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 राम, और कलयुग आ गया है। प्रोफेसर साहब इस लड़की ने तो आपकी नाक कटवा दी है शहर में। पहले ही कुछ कम हुआ है आपके घर में, अब तो हद हो गई। चतुर्वेदी साहब जो लोग आपके नाम से ईमानदारी की कसमें खाते हैं वो थूकेंगे आपके नाम पर। ऐसी बेटी से तो अच्छा है कि आदमी निसंतान रहे।